नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस जंग में कोई अकेला नहीं है। इस लड़ाई में हर देशवासी एक दूसरे के साथ हाथ थाम के खड़ा है, और एकजुटता का संदेश देने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी पहल की। पीएम मोदी ने 130 करोड़ देशवासियों से अपील की है कि हर नागरिक 5 अप्रैल को एक साथ अपने घर के दरवाजे पर या अपनी घर की बालकनी पर खड़े होकर 9 मिनट तक, यानी 5 तारीख को रात 9 बजे 9 मिनट तक मोमबत्ती, टॉर्च, दिया या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट से रोशनी करें। यह कोरोना के खिलाफ मोदी की दीप क्रांति है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं को यह सब कुछ बहुत चुभ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता और सोनिया गांधी के करीबी शशि थरूर कह रहे हैं कि देश अब राम भरोसे है। उधर दूसरी तरफ तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने बेहद शर्मनाक हरकत कर दी है। बेशर्मी की हद को पार करते हुए ये लोग नंगे होकर नर्सों के सामने घूम रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। आखिर ये कैसी जाहिलों वाली सोच है और ये कैसी जाहिल जमात है? लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर हम सब एक हो जाएंगे, पूरा देश एक साथ कोरोना के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो ये जंग हम जीत जाएंगे, यानी जीत जाएंगे हम आज आर पार इसी पर। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। ये सिर्फ एक दिया जलाने भर का संदेश नहीं है, ये उस लड़ाई में एकजुटता का संदेश है जिसे पूरे भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोग मिलकर लड़ रहे हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने पूरे देश से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान ताली थाली बजाकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की अपील की थी, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान एक साथ आ गया था। इस बार भी आम जनता समेत तमाम विरोधी दलों ने पीएम मोदी का खुलकर साथ दिया है, लेकिन कुछ नेता अभी भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये कदम कि रात को 9 बजे दिया जलाया जाए, शायद पूरे देश को इमोशनली एक साथ अटैच करना चाहते हैं। वो 45-50 करोड़ मजदूर जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो दिया कहाँ से लाएगा? प्रधानमंत्री जी का भाषण बिल्कुल निराश करने वाला भाषण था। शब्दों का आडंबर, शब्दों का जाल, आगे क्या करना है इसका कोई भी ठोस योजना उनके पास नहीं थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। आरोप है कि यहाँ के एक अस्पताल में रखे गए तबलीगी जमात के लोगों ने बेशर्मी की हद पार करते हुए इलाज कर रही नर्सों को अश्लील इशारे किए, बिना कपड़ों के वार्ड में घूमने लगे, बीड़ी सिगरेट की डिमांड करने लगे। पुलिस ने इन सब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक शर्मनाक तस्वीर पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से भी सामने आई, जहां रामनवमी के मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। तो उधर महाराष्ट्र के सोलापुर में सामूहिक नमाज पढ़ रहे करीब 70 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सवाल है कि आखिर ऐसे कुछ जाहिलों की गलती का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगत? लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या एकजुटता ही कोरोना को मात देने का सबसे बड़ा मंत्र है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जीत जाएंगे हम। और कोरोना के खिलाफ दीप क्रांति का विश्लेषण सुनिए। दीप क्रांति से भारत की एकजुटता का संदेश देने की बड़ी कोशिश है। सबके साथ होने की सोच से चुनौती से निपटने का मनोबल बढ़ेगा। रोशनी के जरिए हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। पूरे देश को निराशा से आशा की तरफ ले जाने की ये बड़ी कोशिश है। ताली और थाली वाली अपील का मिला था जनता में भारी समर्थन, यानी भारी जन समर्थन उस
अपील को मिला था प्रधानमंत्री की, और उम्मीद है 5 तारीख को रात को 9:09 पे भी उतना ही बड़ा समर्थन देश के प्रधानमंत्री को मिलेगा। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में सैयद शाहनवाज हुसैन हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सबा नकवी हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ अतिकुर रहमान हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। मुजीबुर रहमान हैं, प्रवक्ता तबलीगी जमात के। शुभ्रास्त्रा हैं, जानी मानी लेखिका। और अनूप चलोटा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, जो कि जाने माने गायक हैं, भजन सिंगर हैं। सबसे पहले मैं मुजीबुर उर रहमान आप ही के पास आता हूँ। देखिए, मैं जो प्रधानमंत्री ने दिए जलाने की बात कही है, टॉर्च जलाने की बात कही है, मैं उस मुद्दे पर बाद में आऊंगा। पहले मैं इस मुद्दे पर आना चाह रहा हूं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह का जाहिलपना दिखा रहे हैं, लोगों पे थूक फेंक रहे हैं, पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं। कौन लोग हैं वो? कौन सी जमात के लोग हैं वो? मैं आपको बता दूं, पहली चीज, जमात इस तरीके की तरबियत लोगों को नहीं देती है किसी भी तरीके से। वो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने की तरबियत देती है। ये कैसा इंसान बनाया आपने? किसने कहा जमात के लोग आपके साथ? ये लोग 20 दिन थे, आपने क्या सिखाया इनको? आपने क्या सिखाया इनको? आपने देश के लोगों को क्या सिखाया है? आप इसको लेबल कैसे लगा रहे हैं कि जमात के लोग हैं? आप कैसे लेबल लगा सकते हैं कि कोई भी अगर मुसलमान है तो आप उसको जमात से जोड़ेंगे? आप क्यों टारगेट करना चाहते हैं जमात? मैंने तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो जमात का नाम लिया। क्या साजिश? मैंने तो जमात का नाम लिया, मैंने तो जमात का नाम लिया, मैंने तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल नाम लिया मैंने तो मुसलमान का। कब लिया मैंने मुसलमान का नाम, बताइए? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे आप। आप जमात, हर मुसलमान अगर गलत कोई कर रहा है तो उसको आप जमात से कैसे जोड़ सकते हैं, ये बताइए। और जो डीएम के पास शिकायत गई है ना, भी उसमें भी मुसलमान का नाम नहीं है, उसमें भी जमात का नाम ही है। और आपने इसलिए ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। अमीश जी, आप एक एजेंडे के साथ हैं, मुझे मालूम है उसमें कोई नहीं, लेकिन सच सुनने का हौसला नहीं। क्या एजेंडा है मेरा? नहीं, बताइए ना, मैं एक एजेंडे के साथ हूँ, मेरा एजेंडा क्या होना चाहिए? नहीं, मेरा एजेंडा क्या है? वहां पर लोग अगर अधनंगे घूम रहे हैं तो मेरा एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि उनको एक्सपोज करूं मैं। वहां पर अगर लोग गाली दे रहे हैं तो उनको एक्सपोज करूं। वहां पर लोग अगर गलत कर रहा है एक्शन लॉज के ऊपर, कोई कर रहा है एक्शन लॉज के ऊपर, और आप किसी को जमात से कैसे जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं? तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। वो जमात का ही थी तो जमात से ही जोड़े जाएंगे ना। मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर एक सेकंड, मुझे बोल रहे हैं नहीं नहीं, आप कैसे ना, एक सेकंड, वो जमात के थे तो जमात का ही बोले जाएंगे ना। मुस्लिम लोग नहीं, मुझे बोल रहे रहमान। देखिए, ये नॉन स्टॉप बोले तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मुजीबुर रहमान हर जगह होते वो हैं। जमात के लोग थे तो जमात के गिने जाएंगे क्या? वो जमात के अगर लोग थे तो जमात के गिने जाएंगे ना। कहां पर जमात के लोग हैं? क्यों, किसके लोग हैं फिर? किसके लोग हैं बताइए, आप बताइए। आपने कहा आरोप है, आपने कहा हम इसकी ना वेरीफाई आप कर रहे हैं उस चीज को, ना मैं वेरीफाई कर रहा हूं। हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास रिसीव नहीं हुई कि भाई आपके लोगों ने ऐसा कुछ किया है। वो भी आपने एक लेटर हमें दिखा रहे हैं कि ये है, फ्री वाला से क्या है, हमें क्या मालूम उसका। आप वेरीफाई करिए, अच्छा करिए उस चीज को पहले। आपने आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मुझे बोल रहे हैं रहमान, आप इतने मासूम बन रहे हैं उसी, ना ना, एक सेकंड, इतनी बड़ी धारा एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसी बिना पर लगाया गया है। जो आदमी गलत है वो गलत है, उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम पहले कह रहे हैं। तो आप तो आप अच्छा काम करना सिखाती है। आप तो गलत को सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हैं गलत तो हमने करा ही नहीं है, वो गलत करने वाला तो कोई और है। जो है उसके ऊपर कार्यवाही करे, कौन है आदमी के ऊपर? अच्छा अच्छा बताइए, गाजियाबाद के जिला अस्पताल में किसके लोग एडमिट है? आपके लोग है कि नहीं मालूम? हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया और किन लोगों ने किया और वो कौन कंप्लेनेंट है, कुछ भी नहीं मालूम। कोई वेरीफाई नहीं किया, ना अमीश जी आपने वेरीफाई किया, ना मैंने, और उसको नेशनल टेलीविजन के ऊपर आरोप नर्सेज है कंप्लेंट है, जिन्होंने शिकायत करी है, जो शिकायत करता है वो नर्से हैं, वहां की नर्सेज जो इलाज कर रही थी उनका। अच्छा, कहां पर है वो कंप्लेंट, किसके पास है कंप्लेंट? वो कंप्लेंट आपके पास नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने पढ़ी भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो मीडिया के जरिए पता चला कि ऐसी कोई कंप्लेंट है। क्या पता लगा? मीडिया तक कंप्लेंट पहुंच गई। क्या 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 पता लगा? मुजीबुर रहमान क्या पता लगा? क्या कंप्लेंट मरकज जो है, मुजीबुर रहमान क्या कंप्लेंट है, क्या पता लगा? पहुंच सकती थी वो कॉपी अगर वो जेन्युइन है तो। एक सेकंड, मुजीबुर रहमान कंप्लेंट अगर पढ़नी है तो हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है, पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट क्या पता लगी आपको मीडिया के जरिए? मैं आपको बता दीजिए ना, आपकी स्क्रीन पे चली हुई कोई भी कंप्लेंट उसको लेजिटिमेट नहीं माना जा सकता।
क्या पुलिस हमारे जो जमीयत की बिल्डिंग से लगी हुई है, क्या वो एक कॉपी नहीं पहुंचा सकती कि ये चीज है या जो भी लोग हैं। दूसरी चीज, जमात कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसकी कोई मेंबरशिप होती है, पहली चीज। और अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसका खुद जिम्मेदार है, और गलत को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करता हम, क्या कोई हिंदू दुनिया में कोई आदमी सपोर्ट नहीं करेगा गलत को, सिर्फ गलत आदमी गलत को सपोर्ट करेगा। आप तो मौलाना साद को सपोर्ट कर रहे हो, आदमी गलत करेगा, लेकिन आप तो मौलाना साद को ही सपोर्ट कर रहे हो, वो गलत है ना? आप कैसे, किसने कहा गलत है? नहीं, और नियम तोड़ के दिल्ली के अंदर जब आपने इतने लोगों को छुपा रखा था तो गलत को ही सपोर्ट कर रहे थे ना? सही को कौन सपोर्ट कर रहे थे? अगर सही को सपोर्ट करते, अगर सही को सपोर्ट करते तो हश्र ना होता, छुपा रखा था। आपको अमीश जी एक रूल नहीं मालूम है? क्या रूल, क्या रूल? नहीं बताइए जरा, रूल भी बताइए। आप कौन सा गेम खेल रहे हैं जिसमें रूल की बात कर रहे हैं? रूल बताइए, रूल क्या है? रूल नंबर वन क्या है? देन वेलकम टू शाहनवाज। रूल नंबर वन मैं आपको बताता हूं, बताइए बताइए रूल क्या है, कानून क्या है, छुपाने का कानून क्या है, बताइए। आईबी का एक छुपाने का कानून क्या है, बताइए। डेली एक लिस्ट बनाता है कि मरकज के अंदर कितने फॉरनर आए, छुपाने का रूल क्या है, बताइए। छुपाने का रूल बताओ, डेली एक लिस्ट ना, मुजीबुर रहमान छुपाने का रूल बताओ। आपने बोला आपको रूल नहीं पता, आप रूल बताओ मुझे, आप मुझे रूल बताओ। मार्च को मैं आपसे रूल सुनूंगा, रूल बताओ, दिल्ली पुलिस रूल बताओ, सर्कुलर मुजीबुर रहमान रूल बताओ, 24 लोग रूल बताओ, रूल किस चीज का रूल बताइए, पूछिए मुझसे। एक सेकंड, मैं एक सेकंड, क्योंकि आपने रूल नहीं बताया, अब मेरे को आपको रूल बताना पड़ेगा। लोग टूरिस्ट वीजा पर आते हैं और यहाँ धार्मिक आयोजन करते हैं, वो रूल होता है, और उस रूल को तोड़ा गया। रूल नंबर दो, जब दिल्ली सरकार की एडवाइजरी थी, केंद्र सरकार की एडवाइजरी थी कि 4 से ज्यादा लोग, 5 से ज्यादा लोग, 20 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे, आपने 2000 लोग जुटा के रखे। रूल नंबर 3, निजामुद्दीन थाने के अंदर जब SHO आपकी लोगों की पेशी करता है तो वहां आप झूठ बोलकर आते हो कि 1000 लोग हैं, और निकलते हैं 2100 से ज्यादा लोग। 3 का रूल पता लगा आपको? सुनना चाहेंगे 3 रूल पता लगे मुझे पूरे रहमान? इन 3 रूलों का पता लगा आपको? आप आवाज इसका जवाब सुनना चाहेंगे अमीश जी? बिल्कुल, आप इसका जवाब सुनना चाहेंगे? जनाब, आपको सुनने के लिए बुलाया है। पहला कहा वीजा, वीजा टूरिस्ट वीजा के अंदर रूल होता है कि 3 ऑप्शन उसमें होते हैं। एक ऑप्शन होता है फैमिली विजिट, दूसरा ऑप्शन उसके अंदर होता है टूरिज्म, तीसरा ऑप्शन होता है रिलीजियस पर्पज। यस, आपको मालूम है ये बात टूरिस्ट वीजा के अंदर? दूसरी बात आपने ये मुझसे पूछी कि वहां अच्छा, पर इतने अच्छा, लोग अच्छा, क्यों छुपे हुए थे? मुझे तो पता है, तो वीजा रद्द क्यों हुआ उसका कारण भी बता दीजिए, एक लाइन में बताइए ना, वीजा क्यों रद्द हुआ? ना मामला केंद्र सरकार ने वीजा रद्द क्यों किया है लेटेस्ट? जब मीडिया ट्रायल चलेगा, मीडिया ट्रायल की बात नहीं है, केंद्र सरकार ने वीजा रद्द क्यों किया है बताइए ना? दूसरी चीज, वो हम कोर्ट में पेश करेंगे उस चीज को, क्यों किया है जो भी है। दूसरी चीज, आपने कहा कि वहां लोग छुपे हुए थे, इतने सारे लोग, गैदरिंग की गई? गैदरिंग नहीं की गई अमीश जी, वो एक हॉस्टल है, मरकज एक हॉस्टल है, वहां पे लोग रहते हैं हमेशा, इतने 8-10 हजार लोग रहते हैं। लेकिन मैंने आपको भरपूर मौका दिया, जाना पड़ेगा, जवाब नहीं सुनना चाहते, मुझे तीसरा भी रह गया आपका रूल, आपको तो अभी तीसरा भी रह गया है। नहीं, मैंने तो आपने बोला पहला रूल है, पहला रूल है 3 टाइप तरह के वीजा होते हैं। मैंने आपसे पूछा वो कौन से वीजा के तहत आए थे, उनका वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ। दूसरी बात आपने बोली जमात में, जमात एक हॉस्टल की तरह है, तो हॉस्टल में कई सारे लोग रहते हैं और जवाब नहीं सुनते हैं। मैंने सारे जवाब आपके सुन लिए, जब आपको जवाब पसंद नहीं आता तो आप जवाब नहीं सुनते हैं। मैंने आपके सारे जवाब सुन लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सुने। तीसरा तो मेरे पसंद और नापसंद करने की कोई बात ही नहीं है अभी जी, आप तो सुनने नहीं चाहते। आपको मालूम चल गया कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, और आपके टीवी के जरिए लोगों को क्या चीज पता चलने वाली है, आपको मालूम चल गया। बताइए क्या पता चलने वाला है, बताइए क्या पता चलने वाला है, बताइए, हम भी सुने जरा। ये चीज के वहां कोई आयोजन नहीं हो रहा था, वहां हमेशा लोग इतने रहते हैं, वो वहां पे फंसे अच्छा। हुए लोग हैं, जैसे वैष्णो देवी में लोग फंसे हुए हैं, जैसे गुरुद्वारों में लोग फंसे हुए हैं, जैसे और पब्लिक प्लेसेस में लोग फंसे हुए हैं, जैसे और हिंदुस्तान के मासूम में लोग फंसे हुए हैं। आपने तीसरे नंबर पे SHO ने कहा, SHO की वीडियो अगर आपने अमीर जी सुनी हो तो वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि यहाँ हमेशा 1500 लोग रहते हैं, तो उनकी नॉलेज में है कि हमेशा 1500 लोग रहते हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि उनको निकालो। और आगे की वीडियो आप और सुनेंगे, जिसको आप क्रॉप कर देते हैं, अपने चैनल पे नहीं चलाते हैं, कि तो कैसे निकालें, ये गाड़ियां हैं हमारे पास। अब मैंने अमीश जी सुन लीजिए बात को पूरा, अब पूरा समय दे दिया आपको, अब शाहनवाज हुसैन को लेने दीजिए। वो कहते हैं सुनिए, मालूम आप एसडीएम के पास जाइए। शाहनवाज हुसैन, पूरी तकरीर आपने सुन ली मुजीबुर रहमान की? तकरीर नहीं सुनी मैंने, तो आपको फैक्ट्स दिए हैं एकदम। बिल्कुल, आपने जो सच्चाई बोली वो तकरीर आपने सुनी, और
इस तकरीर को सुनने के बाद जो फैक्ट्स बोले मुजीबुर रहमान ने वो सुनने के बाद 11वां मिनट क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों की सरकार ने आज कोई ये नहीं कह सकता कि आपने इनको समय नहीं दिया, ज्यादती आपकी सरकार ने 11 मिनट दिया है। और इसमें आपने सवाल ये है कि गाजियाबाद के अंदर जो लोग थे जिनको आइसोलेशन में ले जाया गया वो ऐसी हरकत नीची हरकत क्यों कर रहे हैं, और ये भी पता है कि वो जो यहाँ से गए हैं उनसे जो रिलेटेड लोग थे वही वहां गए। तो सवाल है कि किसी को भी जो लोग ये हरकत कर रहे हैं पहले उसकी मजम्मत होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अब नर्सों के सामने इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। और बयान नर्सों का आया है, हमने खुद टेलीविजन पे देखा है, वहां पर के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने आकर कहा कि अश्लील हरकत कर रहे हैं, वहां कपड़े उतारे हुए हैं, बीड़ी सिगरेट मांग रहे हैं। और उसके बाद तय किया यूपी गवर्नमेंट ने कि वहां कोई लेडीज नर्स नहीं जाएगी बल्कि मेल वहां इलाज के लिए जाएगा। तो इसका जवाब देने के लिए सीधे उसकी निंदा करनी चाहिए। देखिए किसी भी व्यक्ति को पूरे मुसलमानों को बदनाम करने का हक नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, 130 करोड़ लोगों को बचाने का अज़्म है, उसमें वो एक सेनापति की तरह, एक लीडर की तरह, एक अभिभावक की तरह लड़ रहे हैं। और उसमें सिर्फ तबलीग जमात के लोग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी को हक है क्या? देखिए कन्नौज में आज लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, पुलिस गई, वहां पथराव हो गया, मुंगेर में पथराव हो गया और कई जगह हो गया। तो ये सब जो लोग कर रहे हैं, मैं न्यूज 18 के जरिए कहता हूं कि आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी हरकतों से पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते। और कौम जब मैं कहता हूं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी कहता हूं। ये कोरोना वायरस ऐसा है जो जात पात मजहब धर्म नहीं देखता, और जिन लोगों ने जो इसके जिम्मेदार होंगे वो अपने लिए तो खुदकशी करेंगे ही लेकिन पूरे देश के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने अगर कहा है कि उस दिन जो आपने दिखाया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उस दिन दिया जलाएंगे, अटल जी ने भी कहा था आओ मिलकर दिया जलाएं, अब इसमें भी सियासत हो रही है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है तबलीग जमात के अंदर। वहां इतने कोरोना वायरस के पॉजिटिव लोग पाए गए, आखिर वो गलती तो माननी पड़ेगी ना। आप कहिए कि नहीं मंदिर में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, सब्जी मंडी में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये जवाब नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि अब मिलकर दिया जलाना होगा, मिलकर लड़ना होगा ये लड़ाई। मान लीजिए कोई मुस्लिम मरकज से निकला, अगर उसने टैक्सी किया तो टैक्सी वाला तो मुस्लिम नहीं था, अगर वो बाजार में गया तो वो तो मुस्लिम नहीं था। तो ये कोरोना वायरस के एक बिरादरी या एक जात या एक धर्म को नहीं फैला होगा, ये जिनसे जिनसे कॉन्टेक्ट हुआ जी, जी, जी। जो पॉजिटिव निकले हैं उन सबके लिए खतरा है। इसलिए हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आपको गलती हुई उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। आप सिर्फ ब्लेम अगर करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि पूरे मुल्क में जो इस तरह कोरोना वायरस के लिए लोग डॉक्टर जा रहे हैं, नर्स जा रहे हैं, इंदौर में उनके साथ मारपीट हो रही है, क्या दिखाना चाहते हैं? ये हमारे हिंदुस्तानी है, एक मुल्क का वजीर आजम है जो 24/7 जगह है, जो 24 घंटे कैसे कोरोना से अपने देश के 130 करोड़ लोगों को बचाया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं, और लोग उनके यकीन को तोड़ रहे हैं। पूरे दुनिया में ग्लोबल लीडर बनकर वार अगेंस्ट कोरोना में नरेंद्र मोदी की सरकार निकली है, ये देश निकला जी, 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 इसलिए जी, जी। किसी को इजाजत मत दीजिए। शुभराष्ट्रा जी जी, शुभराष्ट्रा मेरे साथ है, अतिकुर रहमान मेरे साथ है, एक सेकंड जी जी। शाहनवाज जी आपने अपनी बात को रखा, अतिकुर रहमान जो हरकत गाजियाबाद में हुई, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी जी, मुजीबुर रहमान अपनी टर्न पे बोलिएगा, अपनी टर्न पे बोलिएगा, आपको मौका मिला, एक सेकंड आपको पूरा मौका मिल चुका है, अपनी टर्न पे बोलिए, एक सेकंड आपको पूरा मौका मिल चुका है, मैं आपको वापस मौका दूंगा, बस एक छोटी सी बात, आपको मौका दूंगा जब आपका समय आएगा। अतिकुर रहमान, क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगर हम ये देखेंगे कि कुछ लोग डॉक्टर और नर्सों को पर थूक रहे हैं और बेहुदगी दिखा रहे हैं तो सहन करेगा यह देश? जो इंदौर में हुआ, जो गाजियाबाद में हुआ, जो मुंगेर में हुआ, अमीश भाई, कोई भी ऐसी हरकत जो कि सोशली भी एक्सेप्टेड नहीं है
और आज की तारीख में जब हम डॉक्टर्स को अपना खुदा मानकर चल रहे हैं इस जमीन के ऊपर, कोई ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हम अपने जरिए से तमाम मुसलमानों को ये पैगाम पहले से पहुंचा रहे हैं और अब ज्यादा जोर शोर से पहुंचा रहे हैं। और मैं मुजीबुर रहमान साहब से भी ये दरखास्त करूंगा, अपील करूंगा कि आप देखिए, गलती मान लेने से मुजीब साहब कोई छोटा नहीं बनता है। शाहनवाज भाई, हमने गलती मानी, गलती तमाम लोगों से हुई है, बड़ा बहुत बड़ा मुल्क है हमारा अमीश भाई, यहां पर गलतियां होंगी, उनका सुधार करना पड़ेगा, उसको कबूल करना पड़ेगा कि गलती हुई है, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर बार बार एक कोई समुदाय को घेर कर इस तरह से जब खबरें दिखाई जा रही हैं अमीश भाई, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। वैसे ही लोग अपने घरों में खाली दिमाग लेकर बैठे हैं और खाली दिमाग शैतान के घर की तरह काम कर रहा है। अमीश भाई, मीडिया से भी मेरी अपील है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लोगों का दिमाग खाली है और इसलिए उनको लग रहा है कि ये जो जमात है ये सारे मुसलमान है? सोशल मीडिया यस, क्योंकि मेजॉरिटी एक तबका है जो कि हमेशा इन चीजों को करोत करोत के निकालना चाहता है। मैं सोशल मीडिया की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। देखिए, गलती हुई है, हमने गलती को माना है, साथ साथ से हमने गुजारिश की है, उन्होंने भी कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, उन्होंने भी अपील जारी की है, भले ही वो मीडिया को एक्सेप्टेबल हो या ना हो, हमको आगे बढ़ना है अमीश भाई। आगे आने वाले दिन बहुत सख्त हो सकते हैं। जी जी, शुभराष्ट्रा, पूरी कोशिश लगे हैं शाहनवाज भाई। शुभराष्ट्रा, आपकी बात से ये एक नैरेटिव है, मीडिया इस नैरेटिव को देखिए। मैं पिछले चार दिन से हम लोग और पिछले लगभग दो हफ्ते से कोरोना वायरस पर डिबेट कर रहे हैं और पिछले चार दिन से जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर बहस हो रही है, लेकिन एक ही लाइन आ रही है, ये एक नैरेटिव है, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता किसी ने इसको हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया हो और किसी ने इसको करने की शिद्दत से कोशिश करी हो, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या आपको वाजिब दिखता है? आमिश जी, जितनी संजीदगी से सामने वाला व्यक्ति है, यानी अतीकुर रहमान जी, और उनका जो पूरा एक सोच है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, अगर उसी का काउंटर पर्सपेक्टिव उनको मिले तो आप गौर कीजिएगा कि मेरी बात पूरी भी नहीं होने देंगे वो लोग। सिंपल सी चीज है, जो गलती हुई उसको लेकर विदाउट एनी कंडीशन ये कहना कि गलतियां हुई और उसके लिए और वो गलती अक्षम्य तरीके का अपराध हुआ एक तरीके का, इस बात को एक्सेप्ट करने में ये कंडीशनैलिटी क्यों लग जाती है कि मुसलमान समुदाय को विक्टिमाइज किया जा रहा है? ये कोरोना का जो स्केयर था वो आज से चल रहा है ऐसा तो नहीं है, इसके पीछे एक प्रेसिडेंट रहा है। जब पूरा का पूरा देश लॉकडाउन में था तो तबलीगी जमात को उस लॉकडाउन पीरियड में इतना बड़ा जो एक कॉन्ग्रीगेशन हुआ उसको करने की क्या जरूरत थी? कल रामनवमी थी आमिश देवगन जी, आपने कहीं भी देखा हो कि बहुत उल्लास और प्रचार प्रसार के साथ बहुत बड़े ग्रुप के साथ लोग रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए निकले हों, और अगर कुछ लोगों ने निकालने की कोशिश की तो विदाउट एनी कंडीशनैलिटी उसकी भर्त्सना की गई। लेकिन वही चीज मुसलमान समाज की तरफ से क्यों नहीं आती है? आज जो बात अतीकुर रहमान कह रहे हैं वो क्या उस पूरे घटनाक्रम के पहले कह रहे होते या उस घटनाक्रम के बाद कह रहे? जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन जी ने बात रखी, क्या उस तरीके से आपको लगता है कि कोई जिम्मेवार मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बात रख रहा है? प्रॉब्लम यही से होती है अमिश देवगन जी, आप जब इस पूरे मुद्दे को ढकने की कोशिश करते हैं और इसको एक छोटी सी भूल मानने की कोशिश करते हैं, ये छोटी सी भूल नहीं थी अमिश भाई। आमिश जी, आप ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कोरोना जिहाद का को लेकर के, और ये हो सकता है एक पर्सपेक्टिव हो, मैं चाहती हूं कि ये केवल और केवल पर्सपेक्टिव हो कोरोना जिहाद का, लेकिन अगर ये पर्सपेक्टिव है तो इसको एक्सेप्ट करने में और इसके तथ्यों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पटना में, रांची में जिस तरीके से लोग पकड़े गए, पाए गए, जिस तरीके से नर्सों के ऊपर अश्लील हरकतें की गई, जिस तरीके से हेल्थ प्रोफेशनल्स को भगाया गया, वो कुछ एक समुदाय जी, 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 वो एक समुदाय के लोगों के द्वारा ही किया गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ आमिश जी, उस समुदाय से मुखर आवाज शाहनवाज हुसैन जैसे क्यों नहीं आती? बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबा नकवी, सबा नकवी, यू आर अ जर्नलिस्ट, क्या आपको लगता है सबा नकवी, आज प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया कि हम सबको एक होकर इस लड़ाई को लड़ना है, लेकिन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इस लड़ाई में एक आवाज क्यों नहीं बन पा रहे?
सबसे पहले अमीश जी, अगर मैं इंटेलेक्चुअल हूँ ना, तो मैं हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल हूँ, नहीं मैं, और मैंने बहुत सारी चीजें मैं किसी को इंटेलेक्चुअल नहीं कह रहा हूँ, किसी को ये नहीं कह रहा कि आप जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज के जो प्रभावी लोग हैं, दो तीन चीजें कह दूं जी, जो प्रभावी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए था। सबसे पहले अमीर जी, मुझे बताया गया कि ये प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं ये मुस्लिम इश्यूज में पढ़ती नहीं हूँ कि पैनल में चार मुसलमान और बहस करें, इस तरह की चीजें मुझे पसंद नहीं है और मैं अवॉइड करती हूँ। हालांकि मैंने बहुत ही सख्त चीजें कही हैं तबलीगी जमात के बारे में, जो मेरे पर्सनल, जो मैं सिंक्रेटिक, जो गंगा जमनी तहजीब में, जो मैं खुद पर्सनली विश्वास रखती हूँ, तबलीगी जमात उस सब के खिलाफ है। हाँ, एक तो ये है, तो मेरा ये तो पर्सनल चॉइस की बात। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, एक वर्ड है जाहिल, उसका आप ओरिजिन देखिए, कहाँ से आया, किसने कहा ये जहालत है, जो इन्होंने हिंदुस्तान में अभी किया है और जिस तरह की बातें ये कह रहे हैं, वो भी मैं मानती हूँ जहालत है, चाहे वो जो भी कहें, चाहे मुझे गाली बके सोशल मीडिया में, जो भी कहें। अच्छा, ये लेकर, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान में, मलेशिया में, पाकिस्तान में तबलीगी जमात सबसे बड़े वायरस स्प्रेडर्स हैं, तो ये शर्म मान लें, शायद इन्होंने अपने जो ये समझते हैं कि इनका एक तरीका होता है, चाहे कुछ भी हो जाए इनका एक तरीका सबको स्वीकार करना है, तो ये सब मुझे, लेकिन तबलीगी जमा मुझे इन चीजों में पढ़ना, इस तरह की बेवकूफी, जहालत, सब चीजें जो हमको देखने को सुनने में आ रही है, मैं क्या कहूं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने जो कहना था मैंने सोशल मीडिया में कह दिया, मैंने वर्ड जब जहालत इस्तेमाल किया, जो जी, मुझे गालियां पड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सबसे पहले, मैंने पहले दिन कहा ये जहालत है, उससे कम चीज नहीं है जो हुआ है हिंदुस्तान में, और मलेशिया में भी ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, इन्होंने, क्योंकि ये सोशल, देखिए पूरे हिंदुस्तान के लोग, हम सब की बुरी आदत है, हमारे लोगों की बुरी आदत है, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह घुस रहे हैं, ये इंटरनेशनल ट्रैवलर वाले लोग थे, इसमें ये फर्क है, ये हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, ये लोग इंटरनेशनल इधर उधर से जा रहे थे, अगर इतनी सी, और ये लोग दूसरों को बताते हैं किस तरह से अपनी जिंदगी जिए, ये इसमें फर्क है। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत चीजें हुई भी, शायद आज किसी ने मुझे भेजा कि रामनवमी का भी कुछ भीड़ इकट्ठा हो रही है, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई मध्य प्रदेश में भी हुआ, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रैवल के लोग थे, नहीं सभा और क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं। हाँ? सभा, मेरा बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या कहूं मैं इनसे? जी, बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपील करी, संडे को रात को 9:09 के लिए आप दिया जलाएं, लाइट जलाएं, रोशनी दें, लेकिन पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं मैं नहीं करूंगा, राशिद अल्वी कह रहे हैं इससे क्या फायदा होने वाला है, एनसीपी कहती है सिर्फ भाषण है। हमारे घर में अच्छा, मैं कुछ चीजें आपसे ये भी कह दूं, हमारे घर में बहुत लोग जलाने, बहुत इंथुजियास्टिकली, उन्होंने थाली भी सब हुआ है और दिए भी जलेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट अलग है। मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री जो है वो इमोशन, जो भाव कहते हैं, शायद भाव सही शब्द है, उसको वो अपील करना जानते हैं। हाँ, और प्रधान, लेकिन तो आपने भी लॉजिक, आपने भी अपनी कैंडल दिया, टॉर्च तैयार कर ली है? मेरे घर में हमेशा रहती है, देखिए अमीर जी, चाहे आप जो भी सोचे, मैं, हमारे घर में हमेशा दिया कैंडल होती है, मैं बहुत खुश हो जाते हैं, ताली बजाएंगे, ये सब करेंगे, ये अच्छी बात है। नहीं, अच्छा, मैं भी सीरियसली जवाब दे रही हूँ, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं और हमें पूछना है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स का प्रोटेक्शन के लिए ये सब, इसमें कोई प्रधानमंत्री ने कोई स्पेसिफिक्स नहीं दिए हैं, और इसलिए हमें जरूर पूछना चाहिए कि जो भूखे मजदूर हैं वो क्या कर, उनके लिए कोई क्या स्कीम है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या है, ये सब सवाल जरूरी हैं। ठीक है, जवाब जवाब जवाब, लेकिन ये मैं तो मानती हूँ कि प्रधानमंत्री अभी ये जग, हाँ चलिए, शाहनवाज हुसैन देखिए, देखिए सभा ने जो अपनी बात रखी है वो सही है कि सभा ये तो कह रही है कि इस पर इनको एतराज नहीं है, ठीक है, कांग्रेस के नेताओं को, एनसीपी को या
कई लोगों को इतराज है, कई लोगों को नरेंद्र मोदी जी दिन कहें तो वो रात कहेंगे, और रात शिवानंद तिवारी कहें को तो वो भी दिन कहेंगे। कई लोगों तिवारी ने कसम भी खा रखी है कि मोदी जी जो भी कहेंगे उसका विरोध करेंगे। तो इस मानसिकता के एक अलग तरह का एक ब्रांड है कांग्रेस में, अब कुछ लोग हैं। लेकिन बात यह है कि जो सभा ने कहा कि उसके लिए तो हमने पैकेज दिया ही है, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए वो पैसा दिया ही है, प्रधानमंत्री ने उसकी कोशिश की है। लेकिन ये जो लॉ जलाने की बात है जिस पर आपका प्रोग्राम है कोरोना के खिलाफ लॉ जलाने का, वो इसलिए है कि इस पर 130 करोड़ लोग एक हैं। प्रधानमंत्री बार बार क्या संदेश दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये लड़ाई हमारी बड़ी है, इसमें 130 करोड़ लोगों को इकट्ठे होकर लड़ना है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना। लॉ जलाना आपके लिए, कई लोगों के लिए सिंबलिज्म होगा, कई लोगों के लिए टोकनिज्म होगा, लेकिन हम मानते हैं हम लॉ जलाएंगे, सब मिलकर जलाएंगे, इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। जिस तरह लॉकडाउन के दिन सबने मिलकर थाली बजाई थी, उस तरह लॉ जलाएंगे और पूरे दुनिया को संदेश देंगे कि पूरा देश एक है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं सोचते। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी उनके दिलो दिमाग में होता है, और ये कहा है। मुझे बहुत दुख है कि कांग्रेस के लोग इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है। सोनिया जी को संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए इटली जैसे देश, इंग्लैंड में क्या हाल हो रहा है, यहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर आप निंदा नहीं, अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी मजम्मत और निंदा मत कीजिए। हम लोग चाहते हैं हर किसी को फॉलो करना और संदेश ये देना है कि ये देश एक है, एकजुट है। जी मैं सीधा रुक, जी 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 मेरे जी जी मेरे साथ काफ़ी देर से मरकज के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं जो काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुजीबुर रहमान। अनूप चिलोटा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भजन गायक। मुजीबुर रहमान आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। बताना चाहता हूं आपको कि कोरोना बम कहां पर है। कोरोना बम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए 31 मार्च नहीं 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 ये नहीं बोलेंगे आप सुनना नहीं चाहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे कोरोना बम, कुछ भी बोलते हैं आप। मैं बताता हूं ना कैसे है। 31 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि 4.25 करोड़ लोगों में से 1/3 को कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठे हुए देश भर में, यानी कि 4.25 करोड़ लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं वो घूम रहे हैं। नहीं कहना क्या चाह रहे हैं मुजीबुर रहमान, मैं नहीं कहना चाह रहा। मुजीबुर रहमान आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया कि 4.25 करोड़ के करीब लोग, 4.25 करोड़ के करीब माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर में कोई फॉरनर नहीं था, हो सकते हैं कोरोना माइग्रेंट वर्कर में कोई फॉरनर नहीं था। जो सभा ने सवाल उठाया नहीं, एक सेकंड ट्विटर पर बड़े सारे रिएक्शन आ रहे हैं, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे आपका। एक सेकंड मुजीबुर रहमान रुकिए आप, शाहनवाज जी एक सेकंड आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। नहीं मुजीबुर रहमान आर यू टेक योर वर्ड्स बैक, मुजीबुर रहमान अपने शब्दों को वापस लीजिए। एक सेकंड रुकिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ना ना अपने शब्द को वापस लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना बम है। अपने शब्द को वापस लीजिए आप, आपको मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं। अपने शब्द को वापस लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में जमा करिए ना। अपने शब्द को वापस लीजिए आप, आपने कहा है तुषार मेहता जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल, कहा बोला तुषार मेहता ने कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना बम है, झूठ बोल रहे हैं आप। आपको झूठ बोल रहे हैं आप, देखना चाहते हैं अमित जी, आप में है हिम्मत सच देखने एक की? तो मुझे समझ में नहीं आता आकर यहाँ पर हिम्मत की बात क्यों आप लोग करने लगते हैं। यहाँ कोई कुश्ती लड़ी जा रही है, आप बोलना यहाँ कोई जंग लड़ी जा रही है कि हिम्मत दिखाई जाएगी, यहाँ दाव पेच दिखाई जाएंगे। हिम्मत 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 सबसे पहले तो झूठ बोलते हैं आखिर। नहीं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट आप सच सुनना नहीं चाहते हैं। सुभाषरा नहीं अनफेयर बोला आपने कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना बम है, झूठ बोला आप। डाल रहा हूँ अब मैं, सुभाषरा में कोरोना बम है। एक सेकंड रुकिए आप, कहना गलत है मुजीबुर भाई। जब आप पैनल डिस्कशन में आए तो दूसरों की बात भी सुनेंगे ना। आपने ये सबूत दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद की तकरीर नहीं है ना मुजीबुर रहमान, ये मस्जिद की तकरीर नहीं है ना। शांत रहिए आप, सुप्रीम कोर्ट को अस्क्राइब किए जो उसने कभी यूज नहीं किए। ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो इकट्ठा हुए, उनके इकट्ठा होने को लेकर चिंता सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, लेकिन आप लोगों में से किसी ने अरविंद केजरीवाल पे सवाल नहीं उठाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू इस तरीके की ह्यूमर मॉन्गरिंग करके, फियर मॉन्गरिंग करके
नोएडा में लोगों को जाने के लिए मजबूर क्यों किया? आप अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो फिर जमकर पॉलिटिक्स कीजिए, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लोगों के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला। और ये बात कौन नहीं कह रहा कि एक साथ माइग्रेंट लेबरर्स का एक साथ इकट्ठा होना देश के अभी अभी का जो देश का माहौल है उसकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं था, सब लोग कह रहे हैं। बात जब आ रही है तबलीगी जमात पर, बात जब आ रही है धर्मांधता में काला पट्टी जो लगाकर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनकी, तो आप इधर की बात उधर और व्हाट अबाउट पे क्यों उतर रहे हैं? आप तो सच सुनना नहीं चाह रहे हैं ना, तो आपको वो इधर उधर की बात लग रही है। मैं तो आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। इस माहौल में इकट्ठा होना गलत है, जिन जिन मस्जिदों में जुम्मे की नमाज चल रही है वो गलत हो रहा है, ये बात आप हाँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं इकट्ठा होना चाहिए, कहीं भी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जब आप बिल्कुल गलत है, घर में पढ़ना चाहिए नमाज को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहने की कोशिश करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा आप किस देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं इंस्टीट्यूशन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं इंस्टीट्यूशन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। पिछले 6 सालों में सभा नकवी जी का एक ही रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है इंस्टीट्यूशंस पे हमला हो रहा है। यहाँ पर तो आप ही लोग इंस्टीट्यूशंस पे हमला करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। आपको डिसाइड करना होगा ना, आपको इस देश के किसी भी संस्था पर भरोसा है या नहीं? आपको मोदी पे भरोसा नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे आप? अगर आप ये चाहते हैं बताइए ना, किताब से ये देश आप पूछिए सुप्रीम सरकार ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आपको उस लोकतंत्र का आपको जी आप पूछिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों कहा है सुप्रीम कोर्ट को ये बात, क्यों बताई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात, आप पूछिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कही जो बात आपने अपने मुंह से कही यहां पर, आप उस बात को गलत, अगर आपके पास 31 मार्च को तुषार मेहता जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई कि 1/3 जो है वो लोग जो है 10 में से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, 4.25 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स में से। नॉनस्टॉप नहीं बोला जा सकता। एक सेकंड, अनूप जलोटा मेरे साथ हैं, शाहनवाज हुसैन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनूप जलोटा स्वागत है आपका। अनूप जलोटा, भारत इस समय सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ। मुझे वॉल्यूम चाहिए, कान में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, बहुत हल्की आवाज आ रही है, आप वॉल्यूम दीजिए। बिल्कुल, अब आपको आवाज मिल रही है मेरी ठीक से। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम है। मैं दोबारा इसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसी बीच में शाहनवाज हुसैन के पास चलता हूँ। शाहनवाज हुसैन, अभी आपने देखा किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ मुजीबुर रहमान द्वारा, उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही लांछन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा करने का प्रयास किया। देखिए, आपको ये दुख होता है जब सब लोग कहते हैं कि मरकज में कोरोना बम था, आपको ये दुख नहीं होता जब आप कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना बम है? आपका कैमरा उस तरह के लफ्जों का वो शब्द आप वापिस ले लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आपने जो पहली लाइन कही ना कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना बम है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ डिबेट में नहीं है, उनके प्रतिनिधि यहाँ डिबेट में नहीं है, लेकिन वो हम सब की सबसे है, उसके सम्मान में आपको ये शब्द वापस ले लेना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो सुब्रास्ता जी ने कहा वो बड़ी अच्छी बात कही कि आज आप ये बता देना कि कोई माइग्रेंट वहां तो नहीं थे ना, जो वर्कर हैं वो माइग्रेंट नहीं थे, ये तो दिल्ली में अफवाह हो गई कि बस जा रही है जी, बस जा रही है, आपको गाजियाबाद बॉर्डर छोड़ देते हैं, बड़ी तादाद में गरीब लोग पहुंच गए, अगर दिल्ली में वैसा इंतजाम होता तो वो नहीं जाते, लेकिन जो वर्कर गए हैं वो कहीं मलेशिया या चाइना या इटली घूम कर नहीं आए थे, वो दिल्ली में रह रहे थे और दिल्ली से उनको जो डर लगा वो चले गए, वो वायरस से पीड़ित नहीं है, विदेशी नहीं देखता। अरे भाई, वायरस देशी और विदेशी नहीं देखता। वायरस जो आपके यहाँ मरकज में भी वायरस क्यों आया? क्योंकि जो बाहर के लोग आए मलेशिया के और अन्य मुल्कों से, उनको वायरस था, हिंदुस्तान में वायरस तो वो पैराशूट से उतरे थे आकर के, अगर आपके यहाँ से उतरे थे, अगर आपके यहाँ फॉरनर नहीं आते, अगर आपके यहाँ और लोग नहीं आते, फॉरनर नहीं होते, अगर वो कोरोना पॉजिटिव बार स्क्रीनिंग शुरू करी, अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं होते वो लोग, तो आपके यहाँ भी लोग पॉजिटिव नहीं होते,
इसलिए ये कहना कि अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं में कोरोना वायरस नहीं है आती तो कोई ये शब्द ये लाइन आप वापस ले लें। पहला केस आप शाहनवाज जी पहला केस हम लोगों पहला केस जो है हम लोगों से ये है कि आप जनवरी में हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का आया था अमित जी पहला केस जनवरी में आया था आप मेरी आवाज को वापस लेना चाहिए और ये जो लॉ जलाना आप मेरी आवाज खोले आप यहाँ पर आज संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है इस पर कोई बखेड़ा खड़ा न करे और कोई इसको तोड़े नहीं। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 तारीख को सबको लौ जलाना है अनूप जलोटा जी भी यहीं पर हैं तो अटल जी की कविता है कि आओ मिलकर दिया जलाएं। मैं तो चाहूंगा अनूप जी वही सुना दे तो और अच्छा होगा। जी जी अनूप जलोटा भी हमारे साथ जा रही है। जी जी अनूप जी आवाज मिल रही है आपको? कनेक्ट करते हैं उनको, ब्रेक के बाद उनको कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे ये कविता भी सुनेंगे और भी बातें सुनेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स का रंग ये है अतिकुल रहमान की पीएम केयर को लेकर भी पॉलिटिक्स हो रही है कि पीएम केयर क्यों खोल दिया गया जब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है तो उसको लेकर भी राजनीति हो रही है लेकिन सच्चाई अधूरी है पता है सबको अभी तक। जी अमित भाई जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं मैं उसके लिए एक ही जवाब देना चाहूंगा कि शाहनवाज हुसैन साहब ने या बीजेपी ने ऑपोजिशन को अपने साथ में कोई भी इस किस्म की के, उसके अंदर जंग के अंदर शामिल क्यों नहीं किया। ऑपोजिशन का अपना एक रोल होता है, हमने कभी भी नहीं पाया। शाहनवाज भाई मैं बोल लूं तो आप जवाब देंगे हम तो लोगों की अच्छी समझ में आएगा शामिल किया है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो लोगों की ज्यादा समझ में आएगा। आप बीच में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको छुपाना चाह रहे हैं। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 130 करोड़ में छुपाना चाह रहे हैं इसका मतलब अपोजिशन पार्टी भी है। आप छुपाना चाह रहे हैं शाहनवाज भाई आप छुपाना चाह रहे हैं आप अपनी छुपाना चाह रहे हैं क्या अपोजिशन के मुख्यमंत्री ने बात तो सुन लीजिए ना सारे अपोजिशन के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं किया। शाहनवाज जी 40 सेकंड सुन लीजिए हिंदुस्तानी तो सारे मुख्यमंत्री उसमें सारे मुख्यमंत्रियों ने बातचीत किया जो विपक्ष के आम लोग उन्होंने क्या प्रधानमंत्री का आम लोग उस गंदी पॉलिटिक्स में क्यों पिसे हैं आप उनको समझिए वो आपको समझेंगे। हमारे लिए तो आप सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे भाई आप हम बीच लोग में तो बोल रहे हैं इसका हैं, मतलब है आपको छुपाना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं कांग्रेस अपनी आदत नहीं बदलती तो हम क्या करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी हम तो सारे हिंदुस्तानी की बात करते अरे मैंने आज तक के कोई देश को पूरा विश्वास में लिया सारे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाली जो मंत्री ने सारे मुख्यमंत्री को फोन किया क्या बात कर रहे हैं कि हमने विश्वास में नहीं लिया। हमने तो पूरे देश को विश्वास में लिया पॉलिटिक्स को गटर पॉलिटिक्स कहता हूं हिंदुस्तान की। अमीश भाई गवाह है इस बात की गटर पॉलिटिक्स चलती है हिंदुस्तान के अंदर उस गटर पॉलिटिक्स का हिस्सा आप हैं। नहीं देखिए मुझे लगता है कि उसी राजनीति से देश और दुनिया भी चल रहा है। क्या बोल रहे हैं जी क्या बोल रहे हैं ये देखिए आज हो क्या रहा है बीच में बोले इसीलिए मुझे गुस्सा आया। गटर पॉलिटिक्स है ये गटर पॉलिटिक्स है। अरे तो कीचड़ में तो कमल खिलता है ना साहब। नहीं नहीं तो कमल खिला है ना और कहाँ खिला है। हम लोग लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं में तो आप पढ़े लिखे पे आ गए जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था तो आपने बीच में बात काटी और अब कोई हथियार नहीं मिला तो पढ़े लिखे पे आ गए आप गटर पॉलिटिक्स कहेंगे और आप सजा तो आपको मिलेगी आपको मिलेगी क्यों जी 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 एक सेकंड मुझे मैं अनूप जलोटा के पास नोट पर बटोर रहे हैं आप दुनिया के नोट एक सेकंड मुझे लगता है कि मर्यादित बहस होनी चाहिए और ना गटर पॉलिटिक्स है ना कोई गटर में है। देश इस समय कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। अनूप जलोटा है अनूप जलोटा जी आपसे कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा था तो शाहनवाज हुसैन ने बोला कि अटल जी की कविता ही सुना दीजिए जो अटल जी ने लिखी थी आओ मिलकर दिया जलाएं। मेरे पास इस वक्त वो जी मेरे पास इस वक्त हाथ में वो पुस्तक नहीं है जिसमें वो लिखी हुई है। मैं उसको गाता हूँ कभी 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 फिर आपसे जुड़ूंगा तो मुझे पहले बता दीजिएगा मैं वो पुस्तक हाथ में रखूंगा और गाऊंगा क्योंकि अटल जी की जो कविताएं हैं वो हमें सही जीवन जीने का राह दिखाती हैं। और आज हमें ये पॉलिटिक्स की बातें करने की कहाँ जरूरत है। अरे भाई जान है तो जहान है आप बचेंगे तभी तो आगे पॉलिटिक्स लड़ेंगे। आप
बचेंगे तभी तो आगे कुछ खेल सकेंगे जीवन में नई नई पारी। तो जरूरी है कि आज इस तरह के काम करिए कि हम अपनी और अपने परिवार की, अपने मित्रों की सुरक्षा कर सकें, रक्षा कर सकें। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही कि आज भी पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं, उसकी आवश्यकता ये समय नहीं है। बहुत नाजुक समय है, इस समय एक एक जान की कीमत है। जो लोग भी इसको बढ़ा रहे हैं, इस रोग को आगे फैला रहे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि भाई अपने को बचाओ, अपने साथियों को बचाओ, हमको बचाओ। अरे हम सब रहेंगे तभी तो साथ में रहेंगे आगे। पॉलिटिक्स को भूल जाइए। बड़ी अच्छी बात के लिए, बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि पॉलिटिक्स को थोड़े समय के लिए भूल जाना चाहिए। अगर जीवन रहेगा, जीवन काल रहेगा, तो ये सब चीजें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन एहसास करना बड़ा जरूरी है कि इस समय जो दौर चल रहा है वो दौर क्यों है, वो दौर किस लिए है, और ये दौर कब खत्म होगा। अनूप जलोटा, देखिए ये जो दौर है, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी दौर आएगा। बीमारियां होती थी, प्लेग होता था, चिकनगुनिया होते थे, शहर और मोहल्ले तक रहता था, प्रदेश तक रहता था, चलो देश तक रहता था। लेकिन ये ग्लोबली है। हम यहां जो हालत देख रहे हैं वही न्यूयॉर्क में है, वही हालत टोरंटो में है, वही सैन फ्रांसिस्को में है, लॉस एंजलिस में है, जापान में है। मतलब हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ये क्या है। ये कुदरत हमको बता रही है, इशारा कर रही है कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं। तुम इंसान हो, तुम मानव हो, हमारे बनाए हुए मानव हो। छेड़छाड़ ऐसी मत करो जिस छेड़छाड़ से तो क्या ये पूरा ग्लोबल तो क्या गुनगुनाना चाहेंगे, क्या गुनगुनाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? मैं ये गाना चाहता हूं, एक गाना जो हमें आज अपनी शक्ति और अपने विश्वास का आभास कराए कि यदि हम अपनी शक्ति और अपने विश्वास पर नियंत्रण रखें और इसको और भी मजबूत करें तो हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। आज उसकी आवश्यकता है। मैं आपको गा के सुनाता हूं। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। बहुत शानदार। इतनी शक्ति हमें देना दाता। अनूप जी आप हमारे साथ बने रहिए, शाहनवाज हुसैन भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ सबा नकवी भी हैं, मेरे साथ बड़े सारे मेहमान हैं। मुझे लगता है कि अगला दौर बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। और मैं सारी विंडोज को खोलता हूं, शाहनवाज हुसैन, सबा नकवी, शुभराष्ट्रा, अतिकुर रहमान, तमाम लोग जितने मेहमान हैं मेरे साथ, वो सारे विंडोज में पीसीआर लेकर आइए। और मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूं कि आप पॉलिटिक्स की बात ब्रेक के बाद नहीं करेंगे, वादा करिए आप मुझे। वादा करिए कि पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि ब्रेक के बाद हम सिर्फ और सिर्फ, थैंक यू अतिकुर रहमान, थैंक यू शाहनवाज हुसैन, शुभराष्ट्रा, कि हम पॉलिटिक्स की बात ब्रेक के बाद नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि अटल जी की कविता की बात हुई और शाहनवाज हुसैन ने बोला, अटल जी की कविता याद आती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है,
5 तारीख को इस रविवार को रात 9:09 के लिए अपने घर के बाहर दिया जलाएं। लेकिन अटल जी ने दिए जलाने पर किस कविता का पाठ करा था, ये वाकई देश दुनिया के लिए सुनने वाला है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, आतिकुर रहमान हैं, मजीबुल रहमान हैं, अनूप जलोटा भी हैं और शुभराष्टा भी हैं। मैं इस दौर में शाहनवाज हुसैन आपके पास आता हूं। अनूप जलोटा ने बहुत ही सुंदर भजन गाया, क्या आपको लगता है कि इस समय भारत को अगर एकजुट होना है तो हम सबको साथ खड़े सिर्फ दिखाई नहीं देना, साथ खड़े होना है? जी, बहुत अच्छी बात कही अमित जी आपने कि हमें सिर्फ दिखाई नहीं देना बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट इकट्ठे होना है। जी जी जी, यही कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लॉकडाउन के वक्त भी किया, जनता कर्फ्यू के वक्त भी किया और लो जलाने के लिए भी कहा है। तो आपसे अपील है कि जो लोग न्यूज 18 पर हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप इकट्ठे होकर एक दिया, एक लो, एक रोशनी जलाए और ये सबूत दें पूरा 130 करोड़ कोरोना के लिए एक है और एकजुट है। बिल्कुल। अच्छा, क्या पसंद है आपको, गाना कौन सा पसंद है आपको? एक लाइन तो गुनगुनानी पड़ेगी। किसको, मुझसे पूछा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अनूप जलोटा जी के रहते किसी को गुनगुनाने की इजाजत नहीं है। जब हमारे बीच में दुनिया का सबसे बड़ा भजन गायक और गजल गायक, जी जी जी, तो हमारी बेसुरी आवाज में क्यों गुनगुना? आतिकुर रहमान, एक लाइन में। हम अपना वक्त भी अनूप जी को देते हैं, एक और सुना दें कुछ, पूरा देश उनको देख रहा है। क्या 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 सुनाना चाहते हैं? मैं अमीश भाई, मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अनूप जलोटा जी से। जी जी, हम सबका टाइम अनूप जी को दे दीजिए। इसके अंदर सेंटेंस, मैं आपको वो भजन सुनाता हूँ। हाँ, यस यस, मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा, इसी का हिस्सा है, इसी की कड़ी है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे। अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, आपके पास 10 सेकंड है, आपके पास 10 सेकंड है, ये भजन गा दीजिए, फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं। के हो दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के। सही कहा, हर बुराई से बचकर हमको आगे बढ़ना है और इस अज्ञान को दूर करना है। जीत जाएंगे हम अगर जनता जनार्दन संघ है।